वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप यहां ट्वीट देखिए। अब लॉकडाउन 10 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। 1 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। बता दें कि दिल्ली में 19 अप्रैल की रात 10 बजे से ही लॉकडाउन लागू है। बता दें कि 30 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना वायरस के 27,047 नए मामले सामने आए हैं और 375 लोगों की मौत हो गई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पहले जैसी पाबंदी जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे, पर अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। वहीं दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर खुले रहेंगे। इसके साथ ही मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी, लेकिन इसमें यात्रा वही लोग कर सकेंगे जो लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं। प्राइवेट मेडिकल शॉप जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति हो। सभी एसेंशियल चीजों के लिए लॉकडाउन में छूट पहले की तरह जारी रहेगी। बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% के करीब चला गया है। ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है, बेड्स की भी किल्लत है, जिसके चलते फिलहाल दिल्ली सरकार को फिर से लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है। दिल्ली की मटिया महल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने 30 अप्रैल को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देश में कोरोना की दूसरी वेव है, केस भयानक तेजी से बढ़ रहे हैं। मास्क लगाने को विज्ञान कहता है, उसका पालन करिए। शारीरिक दूरी बनाने को विज्ञान कहता है, वो बात भी जरूर मानिए। और वैक्सीन लगवाने की बारी आए तो प्लीज लगवा लीजिए। और हाँ, अगर आप कोरोना वायरस से रिकवर हो गए हैं तो जाकर प्लाज्मा डोनेट कीजिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।